वालेकुम दोस्तों आज मैं लाई हूँ आपके लिए मसाला मिक्स पास्ता जो है ये चिकन के साथ मैं बनाऊँगी तो आधा किलो चिकन ब्रेस्ट ले के मैंने उसको अच्छी तरह से धो दो लिया है धोने के बाद मैंने उसे फ्राइंग पैन में ऑयल डाला और चिकन को फ्राई होने के लिए रख दिया उसमें मैंने नमक और शामिल किया है और साथ में रेड चिली शामिल किए हैं औरगैनो लीव्स हैं और ब्लैक पेपर शामिल किए और मिक्स गरम मसाला शामिल किया है अब मैं इसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से पकाऊंगी इसका जो आ, मसाला है वो अच्छी तरह से इसमें जजब हो जाएगा और जो पानी है जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसको जो फ्लेम है वो थोड़ा तेज़ कर मैं पानी को खुश कर लूँगी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए और जो कलर है वो देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो तैयार हो रहा है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने पलटते जाना है और चेक करते जाना है तो इसको सख्त नहीं होने देना हमने इसको जूसी बनाना है ताकि इसका जो अस फ्लेवर है वो असल फ्लेवर इसका हमें फील हो तो इसको फिर कटिंग कर लिया इसको तो अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया है पानी में दो प्याज़ और एक टमाटर और लहसुन के जवे उबलने के लिए रख दिया और साथ ही मैंने एक पैकेट जो है स्पैगेटी का जो है चार लीटर पानी में उबलने के लिए रखा है उसमें मैंने तीन चम्मच नमक ऐड किया था अब मैं इसको हिला रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि ये कितना वो बन गई हैं अगर नहीं बनी तो मैं तब तक इसको चेक करती रहूँगी तो देखें जी ये आहिस्ता आहिस्ता से आ रही हैं अपनी असल हालत में हमें जितनी ये चाहिए तो तब तक इसको हम हलाते रहेंगे और इसको बकाया चेक करेंगे तो इसमें जो आंच है हमने तेज़ रखनी है धीमी आंच नहीं रखनी ताकि इसको अच्छा से जोश आ जाए तो हमारा जो टमाटर और प्याज का है वो भी उसमें अच्छी तरह से जोश आ रहा है तो इसका प्याज और टमाटर जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमने इनको चेक कर लेना है क्यों ही लगे ये सॉफ़्ट हो गए तो स्पैगेटीज़ को भी देख लेते हैं साथ साथ के कहाँ तक पहुँची हैं उन तो अब ये हो गई है इनको हम छान लेंगे ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए तो इनको ठंडे पानी में से मैंने गुजार के तो रख दिया अब प्याज और टमाटर और लहसुन जो थे उसको मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम साइड पे रख देंगे तो क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा पानी जो है वो नहीं चाहिए तो आ, इसमें ये मैं काजू शामिल किए हैं और हाफ से भी दो तीन घूंट के करीब मैंने इसमें पानी डाला वही वाला तो ऑर्गेनो लीव्स डाले हैं काली मिर्चें डाल रही हूँ और उसके साथ मैं नमक डाला है तो इसमें हम डालेंगे दूध भी इसमें मैं अभी ऐड करती हूँ तो ये रेड चिलीज़ डाली हैं मैंने इसमें रेड चिलीज़ डालने के बाद इसमें ये मैंने चाइना सॉल्ट शामिल किया है अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं एक कप मैंने दूध शामिल किया क्रीम मैंने वन टेबल स्पून शामिल किया इसको ग्राइंड कर लेंगे अब इसको मैं कढ़ाई में निकाल लिया इसमें मैं दो चम्मच जो है वो आयल डालूँगी तो ताकि इसमें जो है ग्रेवी जो है वो हमारी जले ना और इसमें मैं चिली सॉस डाल रही हूँ मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने हॉट सॉस जो है वो यूज़ की है तो देखिए इसमें जो ही आ, 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 बनना शुरू हो गया बबल तो मैंने ये स्पैकेट डाल दी है। और इसको हम दो तीन मिनट का दम देंगे इसके अंदर तो जो ये बहुत ही मज़े की जो स्पाइसी स्पैकेटिज़ हैं वो हमारी रेडी होने वाली हैं तो ये मैंने चिकन काट के रखा था तो इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है इसको गार्निश कर सकते हैं सजा सकते हैं डेकोरेट कर सकते हैं ये बहुत ही मज़े की बनती है आप बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक भी करना शेयर भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तो देखें ये बहुत ही मज़े की रेडी हो गई हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज़